नमस्कार बच्चों, मैं नेहा सेन नव भारतीय परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और व्याकरण के तीसरा अंग जो है वाक्य विचार, उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए है हम आज पढ़ने जा रहे हैं वाक्य परिवर्तन। किसके आधार पर? रचना के आधार पर। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने रचना के आधार पर वर्गीकरण देखा था वाक्य का, और अर्थ के आधार पर हमने वाक्य परिवर्तन देखे थे। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन कैसे होता है, सरल वाक्य से संयोग वाक्य कैसे बनता है, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बनता है, और मिश्र वाक्य से मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सरल वाक्य क्या होता है। सरल वाक्य, मैंने आपको बताया था वीडियो में, पिछले वाले में, कि सरल वाक्य क्या होता है, जिसमें कर्ता एक भी हो सकते हैं, अनेक भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो क्रिया होती है वो सदैव एक रहती है, सरल वाक्य। जो संयुक्त वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य के अंदर समुच्चय बोधक शब्दों के माध्यम से दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। उन वाक्यों में कर्ता भी अलग अलग होते हैं और क्रिया भी अलग अलग होती है, और अपने आप में स्वतंत्र होते हैं वाक्य। अगर आप समुच्चय बोधक शब्द को हटा देते हैं तो समुच्चय बोधक शब्द का हटाने के बाद में भी वो शब्द, वो वाक्य जो है, अपने स्वतंत्र अर्थ देते हैं। मिश्र वाक्य क्या होता है? मिश्र वाक्य में एक तो प्रधान वाक्य होता है और दूसरा उपवाक्य होता है, आश्रित वाक्य होता है। तो पहला वाक्य जो होता है वो प्रधान होता है, और दूसरा वाक्य प्रधान पहले वाले वाक्य के ऊपर डिपेंड होता है, निर्भर होता है, इसलिए उसे आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। ये तीन प्रकार से होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो अब हम क्या करेंगे, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनते हैं, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बनता है, और मिश्र या संयुक्त से सरल वाक्य कैसे बनता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले तो ये जानिए कि संयुक्त वाक्य जो होता है, संयुक्त वाक्य बनाने के लिए कुछ समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन आदि, इन शब्दों का प्रयोग करके दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है यहाँ कि हम जो वाक्य बनाएंगे उस वाक्य को जोड़ने के लिए हमें इनमें से किसी एक शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे देखते हैं। जैसे अध्यापक के कक्षा में आते ही छात्र शांत हो गए। अध्यापक की कक्षा में आते ही छात्र शांत हो गए। पहली बात तो यहां पर कर्ता कितने हो गए? दो। पहला ये रहा और दूसरा ये रहा। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में दो वाक्यों में तोड़ेंगे। जैसे अध्यापक के कक्षा में आते ही, ठीक है, छात्र शांत हो गए। तो इनको ऐसे सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए कि ये दो टुकड़ों में बट जाए और पूरे पूरे वाक्य बन जाए। जैसे अध्यापक कक्षा में आए, जैसे अध्यापक कक्षा में आए, यह हमारा पहला वाक्य होगा और दूसरा गया छात्र शांत हो गए। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया, ये जो सरल वाक्य था हमारा, इस सरल वाक्य को हमने किसमें परिवर्तित किया, संयुक्त वाक्य में, दो अलग अलग वाक्यों में बांटा इसको, और उनको हमने किससे जोड़ दिया, समुच्चय बोधक शब्द से हमने इसे जोड़ दिया। तो किसमें बदल गया, ये साधारण वाक्य जो है हमारा, सरल वाक्य जो है हमारा, संयुक्त वाक्य में परिवर्तित हो गया। अध्यापक की कक्षा में आते ही छात्र शांत हो गए, तो हमारा वाक्य क्या बना पड़ा, अध्यापक कक्षा में आए और छात्र शांत हो गए। ये क्या था हमारा, सरल वाक्य से हमने क्या बनाना सीखा, संयुक्त वाक्य। आगे है कि देखिए, अध्यापक की कक्षा में आते ही छात्र शांत हो गए। अब पहला वाक्य हमने क्या बनाया, अध्यापक कक्षा में आए। पहला वाक्य क्या है हमारा, अध्यापक कक्षा में आए और छात्र शांत हो गए। ये हमारा पहला वाक्य हो गया, ये हमारा दूसरा वाक्य होगा। यदि आप इस और को हटा देंगे, यदि आप इस और को हटा देंगे और इस वाक्य को अलग लिखेंगे, इस वाक्य को अलग लिखेंगे, तो भी इनका स्वतंत्र अर्थ निकलेगा, अध्यापक कक्षा में आए, वाक्य अपने आप में पूरी तरीके से आपको अर्थ समझा रहा है, और दूसरा वाक्य छात्र शांत हो गए, ये भी अपने आप को स्वतंत्र अर्थ दे रहा है। तो इस प्रकार जो स्वतंत्र अर्थ देने वाले वाक्यों को जब जोड़ा जाता है तो वो हमारे क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। और किसके माध्यम से जोड़ा जाता है, इन्हें संयुक्त वाक्यों को समुच्चय बोधक शब्दों से जोड़ा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना, जो वह
सबसे पहले तो ये जानिए जो मिश्र वाक्य होते हैं वो मैंने आपको बताया क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं, आश्रित होते हैं, और उपवाक्य और प्रधान वाक्य होते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रधान वाक्य और उपवाक्य जो होते हैं तो शब्दों के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं, जैसे जो वह, ठीक है, जैसे जो वह, जो परिश्रम करता है वो सफल होता है, जो वे, जो खाना खाएंगे वे ही स्वस्थ रहेंगे, जिसने वह, जिसने भी मेरी मेरा पैन चुराया है वह बता दे, जिन्होंने वह, जिन्होंने खाना खा लिया वे सो जाए, जहां वहां, जहां सफाई होती है वहां बीमारियां नहीं होती है, जब तब, जब लोग सोते हैं तब चोर जागते हैं, ज्यों ही त्यों ही, ज्यों ही मैं कमरे में गया टेबल टूट गई। ठीक है, कि क्योंकि आदि संयोजक शब्दों से इन्हें जोड़ा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब जो मिश्र वाक्य है, इन मिश्र वाक्यों के अंदर जो शब्दों को जोड़ा जाता है, जिन समुच्चय बोधक शब्दों से जोड़ा जाता है, वो कौन से हैं आपके, ये वाले हैं, और इन शब्दों के माध्यम से इन वाक्यों को जोड़ने का कार्य किया जाता है। संयुक्त वाक्य में दूसरे थे, मिश्र वाक्य में दूसरे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए उदाहरण देखते हैं इसके, हम जैसे बेईमान आदमी को कोई नहीं पसंद करता, बेईमान आदमी को कोई पसंद नहीं करता। अब ये जो वाक्य हमारा कैसा है, सरल वाक्य, ठीक है। अब ये सरल वाक्य को आपको टुकड़े करने हैं, दो भागों में विभाजित करना है, जिसमें कर्ता दो है, जो आदमी बेईमान, एक तो आदमी बेईमान होता है और उसे कोई पसंद नहीं करता, तो आप इन दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे, तो किससे जोड़ा आपने, जो, ठीक है, उसे, यहाँ पर पूर्ण विराम नहीं आएगा। ठीक है, जो आदमी बेईमान होता है उसे कोई पसंद नहीं करता है, पहला ये नीचे वाला वाक्य है, पहले वाले वाक्य के ऊपर आश्रित है, तो पहला वाला वाक्य तो क्या हो गया हमारा, प्रधान वाक्य, और दूसरा वाला क्या हो गया, आश्रित। ठीक है, अब यहाँ पर जो है तो कौन सा है, ये विशेषण आधारित उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य। ठीक है, यहां पर आपने क्या देखा, ये जो शब्द का प्रयोग कहां हो रहा है, पहले वाक्य में हो रहा है, तो हमारा पहला वाक्य ही क्या होगा, आश्रित होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो शब्द जो आ रहा है वो किसका, किसकी पहचान है, आश्रित वाक्य की, अर्थात उपवाक्य की पहचान है। तो हमारा प्रधान वाक्य कौन सा हो गया, ये नीचे वाला, और आश्रित वाक्य कौन सा हो गया, हमारा ऊपर वाला। ठीक है, जो आदमी बेईमान होता है ये तो क्या हो गया हमारा, विशेषण उपवाक्य अर्थात आश्रित उपवाक्य, उपवाक्य। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा, प्रधान वाक्य, उसे कोई पसंद नहीं करता। आगे है संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य कैसे बनाया जाता है। संयुक्त वाक्य है, दादी दवा खाकर सो गई, दादी दवा खाकर सो गई। ठीक है, एक बात और यहाँ पर देखिए, ये जो गई शब्द लिखा हुआ है, इस गई में अनुस्वार लग रहा है, क्या आप बता सकते हैं ये अनुस्वार क्यों लगाया गया है। देखिए ये अनुस्वार इसलिए लगाया गया है क्योंकि दादी सम्मान, यहाँ पर दादी को सम्मान दिया जा रहा है, क्योंकि हम दादी हमसे बड़े हैं, तो बड़ों को हम आदर सूचक शब्दों से, सम्मान सूचक शब्दों से पुकारते हैं, संबोधन देते हैं, तो इनको सम्मान देने के लिए ये अनुस्वार चिन्ह लगाया गया है। और ये गई तो ये अशुद्ध होता है, ये हमारा शुद्ध होता है, दादी सो गई, अध्यापक आप गए। ठीक है, ये चीज है। तो बाकी क्या है हमारा, कि दादी दवा खाकर सो गई, दादी दवा खाकर सो गई, ये क्या है हमारा, साधारण वाक्य। ठीक है, अब इस साधारण वाक्यों को हमें संयुक्त वाक्य में जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, यहाँ क्रिया क्या हो रही है, एक तो खाने की और दूसरी सोने की, पहली क्रिया हो रही है खाने की और दूसरी क्रिया हो रही है सोने की। तो दादी ने दवा खाई, ये तो हो गई हमारी पहली क्रिया, और सो गई, ये हो गई हमारी दूसरी क्रिया। ठीक है, दादी ने दवा खाई पहला वाक्य, और वहां क्या हो गया, सो गई। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, सरल वाक्य से हमने संयुक्त वाक्य में इसको परिवर्तित कर दिया। आगे बढ़ते हैं कि मिश्र वाक्य से सरल वाक्य कैसे बनाया जाता है। मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो अध्यापक हमें हिंदी पढ़ा
शर्मा है। हमें जो अध्यापक पढ़ाते हैं उनका नाम क्या है? चक्रधर शर्मा। अब आपका क्या है? ये मिश्र वाक्य है। क्यों है ये मिश्र वाक्य? देखिए, क्योंकि ये जो और उनका, इनका छोड़िए, आप ये देखिए कि ये जो शब्द के माध्यम से जुड़े हुए, ठीक है। तो ये हमारा जो अध्यापक हमें हिंदी पढ़ाते हैं, ये तो क्या हो गया? हमारा आश्रित वाक्य हो गया, ठीक है। कौन सा हो गया? विशेषण वाक्य हो गया। और उनका नाम चक्रधर शर्मा है, ये क्या हो गया? हमारा प्रधान वाक्य हो गया। ये प्रधान वाक्य हमारा, और ये क्या है? आश्रित। ये हमारा आश्रित वाक्य हो गया। तो अब इसे सरल में कैसे बदलेंगे? इसे हटा दीजिए, ठीक है। क्या हो गया? हमें हिंदी पढ़ाने वाले अध्यापक का नाम चक्रधर शर्मा है। बिल्कुल सरल शब्दों में आपको इसे बनाना है। क्रिया एक ही हो रही है यहाँ, किसकी? पढ़ाने की, ठीक है। तो हमें हिंदी पढ़ाने वाले अध्यापक का नाम चक्रधर शर्मा है। तो इस प्रकार हम मिश्र वाक्य से किसमें परिवर्तित कर सकते हैं? इसे सरल वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।